सो दर्ड क्वेश्चन इज एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 हंड्रेड सिक्सटीन मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ थर्टी टू मेंबर्स इन अ पैरेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च सो यहाँ पे दो आर्मी के कंटिजेंट्स हैं एक कंटिजेंट में सिक्स मेंबर्स हैं और दूसरे में थर्टी टू और जो दूसरा कंटिजेंट है दैट इज वो आर्मी बैंड वाला उसके पीछे जो मेन आर्मी कंटिजेंट है उसे मूव करना है दैट इज वो 616 मेंबर्स वाला जबकि हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे रखने हैं तो सिंपली हमें एक तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा 616 और 32 के बीच में सो so, जब हम 616 और 32 के बीच में एच फाइंड आउट करेंगे तो इक्वलिट्स डिवीजन लेमा से ही स्टार्ट करेंगे लाइक like हमें पता है कि 616 32 से बड़ा है तो हम इसे लिख सकते हैं 616 हंड्रेड सिक्सटीन इज इक्वल्स टू थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई नाइनटीन प्लस ए यहाँ पे हो जाएगा 616 बी यहाँ पे है 32 टू क्यू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 19 एंड रिमाइंडर है 8 क्योंकि रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें इसे दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना होगा दैट इज इस बार हम एक एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे सबकी पोजीशन तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से थर्टी टू इज इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस जीरो अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में रिमाइंडर जीरो आ चुका है तो अब हम ए बी क्यू एंड आर की वैल्यू पुट करेंगे ए हो जाएगा यहाँ पे थर्टी टू बी हो जाएगा एट आर जीरो है एंड क्यू यहाँ पे है फोर तो जो इस इक्वेशन में बी होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज़ एट 616 और 32 का एच आएगा एट तो हम कह सकते हैं कि उन्हें एट एट के कॉलम्स में मार्च करना चाहिए दैट इज़ आर्मी कंटिजेंट जिसमें 616 हंड्रेड हैं उन्हें भी एट कॉलम्स बनाने चाहिए और बैंड वाले कंटिजेंट को भी एट कॉलम्स बनाने चाहिए